Hello students, in this next video lecture, there's that is internet security based. It is also the security based because jab hum koi file transfer karte hai ya koi information transfer karte hai, to how they will be secure. So uske base par ye topics bana define kiya gaya hai ki electronic data interchange kya tha. This is the most important part in the today's scenario. Ki jaise ERP system hum baat karte hai, to wo ERP system ka ek one of the module is इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. तो इसको वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम करता है. सो व्हाट इज ईडीआई? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स. सपोज कर लो दो बिजनेस पार्टनर है ए एंड बी एंड दे वांट टू सेंड देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल आई एम सिचुएटेड इन इंडिया एंड वन इज सिचुएटेड इन यूएस एंड how they will communicate to each other. There is no possibility. जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए हम जो होता है, जैसे आज के समय में बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या फिर जैसे मैं गो टू मीटिंग के यूज करके आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये जो हमारे पास है, तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है कि हम यहाँ बैठ के फॉर्म. अब लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हेन आई एम गोइंग टू सेंड दिस काइंड ऑफ डेटा टू यू, देन हाउ दैट विल बी इंक्रिप्टेड या हाउ दैट विल बी सिक्योर्ड. तो ये जो हमारा आता है इंटरनेट सिक्योरिटी के बेस पर भी आता है. तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि हाउ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज गोइंग टू बी वर्क. तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज नथिंग बट द कंप्यूटर टू कंप्यूटर चेंज द इन्फॉर्म एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू बिजनेस पार्टनर. तो इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला तो रिड्यूस कॉस्ट, यानी हमको जाने की जरूरत नहीं है, किसी को आने की जरूरत नहीं है. जो रेल फेयर है या फिर एरोप्लेन का फेयर है, कॉस्ट है, स्टेइंग का फेयर है, वो सब रिड्यूस हो जाता है. दूसरा इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाता है. इसमें आपके टाइम लगते हैं और इसमें आपके विद इन ए सेकेंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड. एंड दूसरा होता है रिड्यूस्ड एरर, इसमें ह्यूमन एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, दैट विल बी प्रोटेक्टेड फॉर्म में वो पहुंच जाता है. दूसरा इम्प्रूव रिलेशनशिप विद द बिजनेस पार्टनर, इसमें इम्प्रूव ऐसे हो रहा है कि जैसे कमिटमेंट हो रहा है तो उस बेस पर हमारे पास जो होता है जो भी इन्फॉर्मेशन है एज सून एज पॉसिबल सेंड हो रहा है, तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और जो होता है जो मनी बेस्ड यानी इकोनॉमिकली दैट विल बी मच मोर रिलायबल. सो ईडीआई रिप्लेस पोस्टल मेल, फैक्स एंड ईमेल. यानी ईडीआई वन काइंड ऑफ जो ईमेल है, पोस्टल मेल या फैक्स है, इसका एक रिप्लेसमेंट है. You can say that in a secured way. So while email is also an electronic approach, the document exchange via email must still be handled by people rather than the computer. अब क्वेश्चन ये आता है कि how that can be exchange, मतलब replace. तो replacement ऐसा हुआ कि email को read करने के लिए एक human being की जरूरत पड़ती है, यानी email open करेगा उसके बाद उसको read करने के उसको close करेगा. But electronic data interchange is a smart type of कम्युनिकेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि दैट विल बी रीड ऑटोमेटिकली एंड गिव द रिजल्ट ऑटोमेटिकली. सो मस्ट सो हैंडल बाय द पीपल. सो पीपल इन्वॉल्व स्लो डाउन द प्रोसेसिंग ऑफ द. तो इसका मतलब है ईमेल के केस में अगर हम यूज करते हैं बाय डेटा एक्सचेंज के लिए, तो वो ह्यूमन बींग के लिए वो थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है, उसको प्रोसेस करता है. तो इसका मतलब है जब वो प्रोसेस करता है तो एक ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद वो जो होता है उसका माइंड सेट अब काम करता नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें एरर आने लगते हैं. बट व्हेन द मशीन इज गोइंग टू बी कंप्यूटेड दैट विल बी नेवर बी गोइंग डाउन. तो ये चीज हमारे पास एक एडवांटेजेस होता है. एंड ईडीआई डॉक्यूमेंट कैन फ्लो स्ट्रेट थ्रू टू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑन द रिसीवर कंप्यूटर. तो इसका मतलब है हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है रिसीवर एंड में, वो उसको रिसीव करता है और उसके बाद जो होता है उसको एग्जीक्यूट करता है अलग अलग सेपरेटली एग्जीक्यूट. यानी कोई एक प्रोग्राम सारे को नहीं एग्जीक्यूट करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, यानी अगर सपोज कोई लोग कोई ऑर्डर प्लेस हुआ है ईडीआई के थ्रू, तो इसका मतलब है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम उसको रिसीव करेगा एंड प्रोसेसिंग कैन बिगिन इमीडिएटली. तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम जो होता है यानी एक सॉफ्टवेयर है, वो उसको रिसीव करेगा और उसको प्रोसेस करके उसका एनालिसिस करेगा, उसके बेस पर ऑर्डर फॉलो कर देगा. सो ये टिपिकल मैनुअल प्रोसेस लुक्स लाइक दिस. सो विथ लॉट्स ऑफ पेपर्स एंड पीपल इन्वॉल्वमेंट. अगर सपोज कर लो एक ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ऐसा करते हैं, तो इसके लिए हमको अलग अलग पर्सन की जरूरत पड़ेगी और वो अलग अलग ऑर्डर को रिसीव करेंगे, उसके बेस पर प्रोसेस करेगा. और इंस्टेड ऑफ दिस ह्यूमन बींग वी जस्ट सिचुएटेड वन सॉफ्टवेयर.
तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ ईडीआई। तो ईडीआई आपको समझ में आ गया है कि इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स उसके जगह हम क्या प्लेस कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर को प्लेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि बायर्स एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, बायर्स जो होता है जनरेट्स परचेस ऑर्डर, यानी बायर्स जो होता है एक परचेस ऑर्डर को जनरेट कर रहा है, और वो जो होता है वो फैक्स किया या मेल किया, और वो जो होता है रिसीव हुआ, सप्लायर्स इंटर्स ऑर्डर इनटू इंटरनल सिस्टम्स एंड प्रिंट एंड इनवॉइस। अब एक इनवॉइस प्रिंट करता है, अब ये इनवॉइस जो होता है फैक्स या ईमेल के थ्रू हम सेंड करते हैं, बायर इंटर्स इनवॉइस इनटू इंटरनल सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब है बायर जनरेट कर रहा है और ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी यहाँ से आया है और यहाँ से वो रिसीव हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। सो ईडीआई प्रोसेस क्या होता है? तो द ईडीआई प्रोसेस लुक लाइक दिस, नो पेपर नो पीपल। तो इसमें हमारे पास पेपर थे, अब देखिए इसमें पेपर यूज हो रहा है, इनवॉइस सेंड हो रहा है, फिर उसके बाद उसका यूजर। अब यहाँ पे कोई पेपर नहीं है, तो दिस इज द प्रीवियस वन इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर, बट ह्यूमन बींग इज इन्वॉल्व and this is involved a paper, invoice is a paper, but here is a no paper, so no paper no people involved, yahan par nahi hota hai. To edi process mein that is nothing is there, to ye iska replacement hai. So hum yahan se buyers jo hota hai internally ek purchase order define karega, aur invoice wahan se jaise suppliers jo hota hai internal system ke through jo bhi material wo send karega, sath mein uska jo billing hai yani invoice system hai usko खरीदने वाले को भेज देगा, तो जिसके बेस पर वो डिफाइन कर देगा कि जितना ऑर्डर किया है उसके पास उसको रिसीव हुआ है कि नहीं। सो दिस इज द डिफरेंट अप्रोच। सो ईडीआई बिजनेस डॉक्यूमेंट, तो ईडीआई बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या होता है? दीज आर एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट आर टिपिकली एक्सचेंज बिटवीन द बिजनेस। सो देयर आर डॉक्यूमेंट इज देयर जो कि बिजनेस पर्सन के बीच में एक्सचेंज होता है। द मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट एक्सचेंज वाया ईडीआई आर द परचेस ऑर्डर, इनवॉइस एंड एडवांस शिप नोटिस। यानी ये तीन तरीके का बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम परचेस ऑर्डर है, इनवॉइस एंड एडवांस शिप नोटिस होता है। ये बेसिक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है। बट देयर आर द मेनी मेनी अदर सच एज बिल्स, लैंडिंग कस्टम डॉक्यूमेंट्स, इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग स्टेटस डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो ईडीआई डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर रादर देन द ह्यूमन। ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट मस्ट बी यूज्ड सो दैट द कंप्यूटर विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट। यानी ईडीआई डॉक्यूमेंट्स जब हम क्रिएट करते हैं तो यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसका हेडर फुटर लेफ्ट एंड राइट इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एग्जाम देते हैं तो ओएमआर शीट में आप देखेंगे कि चारों ओर जो होता है डॉटेड लाइंस बने होते हैं। सो दे आर द अलाइनमेंट्स, यानी वो एक तरीके का अलाइनमेंट है। जब तक वो अलाइनमेंट में नहीं आएगा तब तक वो स्कैन नहीं करेगा। तो उसी तरीके का हम ईडीआई डॉक्यूमेंट भी इसी तरीके के फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसको मशीनी रीड करेगा और मशीनी उसको इंटरप्रेट करेगा, आपको ह्यूमन बी को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है उसमें। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्क्राइब व्हाट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एंड इन व्हाट फॉर्मेट, यानी ये किस फॉर्मेट में होगा, किस इसमें होगा, पहला डेट ऑफ बर्थ में, पहला मंथ होगा या पहला डेट होगा, इस तरह से एक फॉर्मेट डिफाइन होगा, उसी के बेस पर उसको रीड करेगा, और जो बॉक्सेस बने होंगे छोटे छोटे उस बॉक्सेस के अलाइन के बेस पर जो है उसे डेटा को रीड करेगा। सो विदाउट ए स्टैंडिंग फॉर्मेट Each company would send document using its company specific format, and much as a English speaking person probably does not understand Japanese, the receiver computer system does not understand the company's specific format of the sender's format. So without a standard format hum is tarah se use karte hain, jise common format ka use karte hue hum data ko send kar sakte hain. So EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो EDI के फॉर्मेट, जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर अगर हम कोई स्टैंडर्ड यूज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगा कि जापानीज अगर उसको अपने फॉर्मेट में सेंड करता है तो वी कांट अंडरस्टैंड इट। तो इसीलिए हमको एक फॉर्मेट जो, तो दे आर आर सेवरल EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन विच टूडेज इंक्लूड ANSI, दीज आर द EDIFACT एंड अदर आर देयर। सो फॉर ईच स्टैंडर्ड देयर आर मेनी डिफरेंट वर्जन, बहुत सारे डिफरेंट वर्जन है, जैसे ये है तो इसका यूज कर सकते।
So when two businesses decided to exchange EDI document, they must agree on the specific EDI standard and version. तो इसका मतलब है जब भी आप किसी business partner से data exchange करने जाते हैं तो आपको एक format को follow करना पड़ता है. You have to be agree with some specific format and then start your business exchange. जो भी होगा. तो business typically use an EDI translator either as in-house software or via EDI service provider to translate the EDI format so the data can be used by their internal application, thus enable straight-through processing of documents. तो इसका मतलब है या तो आप एक सॉफ्टवेयर भी ट्रांसलेटर यूज करेगा या फिर कोई इस तरीके का जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके पास आप सेंड करेंगे, वो आपका उसको इंटरप्रेट करके सेंड करेगा. तो इसके लिए आपको EDI ट्रांसलेटर की जरूरत होती है. So the exchange of EDI document is typically between two different companies referred to as business partner or trading partner. तो इसका मतलब फाइनली मैं कंक्लूजन में यही बताना चाहूंगा, द एक्सचेंज ऑफ EDI डॉक्यूमेंट इस जनरली दो बिजनेस या दो कंपनीज के बीच में होता है. ये जो EDI है ये हर कोई इसका यूज नहीं कर सकता, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज इट, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मेंटेन करना होता है और इसके थ्रू हम जो जो भी सेंड करते हैं दैट विल बी ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट. तो इसीलिए हर कोई इसका यूज नहीं कर सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए में बाय गुड्स फॉर कंपनी बी, ठीक है, कंपनी ए सेंड्स ऑर्डर टू कंपनी बी, कंपनी ए एंड बी आर द बिजनेस पार्टनर. तो इसका मतलब है ये जो मैंने आपको बताया कंक्लूजन में कि ये बिजनेस पार्टनर के बीच में होता है. तो इसका मतलब है कि दो कंपनीज पहले एग्री होंगे कि दे वांट टू सेल एंड परचेस द गुड्स, तो देन दे आर गोइंग टू बी बिजनेस पार्टनर. सो दिस इज द ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज नथिंग बट एट द replacement of the human being or the email systems. Because of human email system the human is going to be involved, yani wahan human involved hota hai, usko on matlab open karna padta hai mail ko, fir close karna padta hai. But electronic data interchange hota hai isme human being ki zarurat nahi hoti hai, automatically hum ek format mein data place karte hai, hamara jo purchase order rehta hai, jo jo bhi hamare paas khadna hota hai usko hum order place karte hai and that will be interpreted according to that machine, yani automatically that will be encrypt generated the information. So jaise fir purchase order defined hota hai to uske base par wo analysis bhi kar sakta hai. So this is all about that ki kis tarah se ye kaam karta hai. So ye aapko samajh mein aa gaya hoga ki ye kis tarah se workout karta hai.